श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति का त्योहार वैसे तो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल यह त्योहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। दरअसल मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी को रात 8:43 पर होगी और इसका समापन शाम 5:40 पर होगा। इसीलिए उद्यातिथि के मुताबिक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ दान करने का भी बड़ा महत्व है और इसका कई गुना अधिक फल मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन शास्त्रों में कई ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें करने की मनाही की गई है। कहा जाता है कि अगर ये काम कोई व्यक्ति कर ले तो उसे उसका अशुभ फल मिलता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन स्नान के पहले कुछ भी न खाएं और न ही पिए। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आपको घर पर ही नहाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करें। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन गलती से भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पर संयम पूर्वक रहना चाहिए, यानी मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति बुरी भावना मन में न लाएं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी करें। इस तरह के विचार मन में लाना भी इस दिन बुरा माना गया है। नंबर 5, मकर संक्रांति संयम का पर्व है, यानी खुद पर नियंत्रण रखकर जरूरतमंदों की मदद करने का। इस दिन अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। इस दिन पूरी तरह अपने मन पर नियंत्रण रखें और भूलकर भी किसी पर क्रोध न करें। सभी के साथ मधुरता से पेश आएं। नंबर 6, मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं दुहना चाहिए। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।